हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्नैप इन्फो। दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में SI के लिए यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो सब इंस्पेक्टर के लिए होने वाली है, तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कितने पोस्ट रखे गए हैं, लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को अप्लाई करने का, अप्लीकेशन फ़ी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या है, एग्जाम क्या है, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर यानी SI और अदर पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रिलीज की है। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो यहाँ जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट रखी गई है वो है 1/4/2021, यानी आप 1 अप्रैल से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो यहाँ पर रखी गई है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है 30/4/2021, और पेमेंट की भी लास्ट डेट 30/4/2021 ही है। और आपका एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा, इसका कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। वो जैसे आएगा मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो दोस्तों यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है वो है मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम है 28 ईयर। उसके अलावा आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपके पास स्पेशल कोई कोटा है तो। और बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी जो यहाँ पर रखी गई है जनरल OBC के लिए 400 है, SC ST के लिए भी 400 है, और यहाँ पे फीमेल के लिए भी 400 फ़ी रखी गई है। तो इस बार यहाँ पे किसी भी कैटेगरी को छूट नहीं दी गई है, यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए 400 एप्लीकेशन फ़ी होने वाला है। और पेमेंट का मोड आपका ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है वो है 9534। जी दोस्तों, 9534 के अंदर डिफरेंट कैटेगरी के अंदर वैकेंसी रिलीज की गई है। जो पहला यहाँ पे पोस्ट है उसका नाम है सब इंस्पेक्टर यानी SI, और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 9027। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो यहाँ पे पोस्ट है उसका नाम है पतलून कमांडर, और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं वो है 484, और यहाँ पे भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है जो फर्स्ट पोस्ट के लिए मांगा गया है। थर्ड जो यहाँ पे पोस्ट है उसका नाम है फायर ऑफिसर, और यहाँ पे 23 पोस्ट रखे गए हैं। और बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन साइंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी अगर आपने BSc कर रखा है, अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट रखे गए हैं, इसके लिए आपको वीडियो को पॉज करना होगा। बात करें यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे मेल जनरल OBC और SC के लिए हाइट जो रखी गई है वो है 168 सेंटीमीटर, चेस्ट जो रखा गया है वो है 79 और एक्सपेंड करके 84, रनिंग यहाँ पे मांगा गया है 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट्स। मेल ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, चेस्ट है यहाँ पे 77, एक्सपेंड करके 82, और रनिंग यहाँ पे सेम टाइमिंग में सेम डिस्टेंस मांगा गया है। और फीमेल के लिए यहाँ पे जनरल OBC और SC के अंदर 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और रनिंग यहाँ पे 2.4 किलोमीटर मांगा गया है इन 60 मिनट्स, और फीमेल ST के लिए यहाँ पे 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और रनिंग यहाँ पे भी सेम है 2.4 किलोमीटर इन 60 मिनट्स। और ये है इस जॉब वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर आपकी सारी डिटेल दी गई है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने से लेके आपके सिलेक्शन तक की। और बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम देना होगा इस जॉब वैकेंसी के लिए, और यहाँ पे जो टोटल सब्जेक्ट आपके होंगे वो 4 होंगे, और एक सब्जेक्ट से यहाँ पे आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पे जो आपके मेन सब्जेक्ट है उसमें सामान्य हिंदी है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, थर्ड यहाँ पे संख्यात्मक एंड मानसिक योग्यता परीक्षा, और फोर्थ यहाँ पे मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बलबुद्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। और इसके लिए जो आपको यहाँ पे समय सीमा दी जाएगी वो है 2 घंटे, यानी आपको 120 मिनट मिलेंगे। और यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है इसमें साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि जो भी आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं उन सभी सब्जेक्ट में आपके 35% होना चाहिए, और टोटल जो यहाँ पे सब्जेक्ट मिला के आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे उसमें 50% होना चाहिए, तभी आप इस जॉब वैकेंसी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, आपका नाम क्वालिफाई किया जाएगा। और बात करें यहाँ पे आपके सिलेबस के बारे में, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपके मेन 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, और हर एक सब्जेक्ट से आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल आपके 400 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और बात करें इस जॉब वैकेंसी के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं जिसे आपको फॉलो करना है, और अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट, सिलेबस और नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ इस तरह से आपको एक पेज देखने को मिलेगा। ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा न्यू यूज़र का और रजिस्टर कैंडिडेट का, तो अगर आप UP पुलिस के वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आपको रजिस्टर कैंडिडेट पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना होगा, लॉगिन पे क्लिक करना होगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा।
क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसे आपको फॉलो करना है। आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जॉब वैकेंसी के बारे में, जो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है, सारी यहाँ पे शो हो रही है। आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं जिसे आपको फॉलो करना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इसे चेक करना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल एंटर करनी होगी। उसके बाद से आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी कन्फर्म करना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। ओटीपी आने के बाद से आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है इसे डालना होगा और सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे ऐसे ही क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, उसे आपको लॉगिन करना होगा और आगे का फॉर्म प्रोसीड करना होगा। तो अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा कि आपको इस फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और हम मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।